हरदा जिले का एक गांव गहाल। गहाल में इस समय हम हैं रामजीवन कानवे के साथ में। ब्लास्ट वाले दिन ये अपने परिवार से मिलने हरदा जा रहे थे, उसी समय ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के साथ ही साथ वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से पटाखा फैक्ट्री से जो पत्थर निकले वो इनकी पीठ में लगे। इनकी पत्नी को भी चोट आई है, लेकिन इनको गंभीर चोट आई थी जिसके कारण इनको तत्काल भोपाल रेफर करना पड़ा। इनसे मिलने के लिए वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आए थे अस्पताल में। इनका इलाज शासन की ओर से प्रॉपर किया गया और साथ ही साथ इन्हें वहाँ इनके अकाउंट में 15,000 रुपये की मात्र राशि जो है वो डाली गई। ये भी पीड़ित हैं और इन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए। इनके साथ में जो चोट आई थी वो कहाँ कहाँ इनको लगी, इनका ऑपरेशन भी हुआ है। 20 दिन तक ये हमीदी हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट है। रामजीवन भाई बताइए कि आपको कहाँ कहाँ चोट लगी थी। मेरे को चोट लगी थी यहाँ पीठ पे पीछे लगी थी, तो उसकी चोट उसने छाती में अंदर दी, तो अंदर छाती में छेद हो गया था। छेद होने से पूरा खून जम गया था पूरे शरीर में, खून की उल्टी होने लगी थी, फेफड़े पूरे सुकड़ गए थे, आवाज़ भी नहीं निकलती थी, मेरे से सांस लिया जाता था। फिर वहाँ भोपाल में मेरे को एडमिट किया तो वहाँ की जगह ऑक्सीजन लगा के रखा 4-5 दिन तक। फिर डॉक्टरी इलाज हुआ मेरा सब बढ़िया वहाँ से। तो अब क्या स्थिति है आपकी? आप हमने सुना है कि आपके फेफड़ों में भी चोट लगी थी। हाँ, और कुछ मशीनें वगैरह से एक्सरसाइज भी आपको कराने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है? हाँ दी है, वो दिया तो सही, वो दिया ना एक्सरसाइज के लिए वो फॉर्म, वो बताइए ना, वो देना। तो मशीन भी इन्हें दी है एक्सरसाइज के लिए, फेफड़ों में लंग्स में एक्सरसाइज करने के लिए, लंग्स में पावर देने के लिए। हाँ, ये वहीं डॉक्टरों ने दी है, डॉक्टरों ने दी थी। और अभी भी ये चलने फिरने की काम करने की स्थिति में नहीं है, स्थिति में नहीं हूँ। इनको भी तत्काल शासन को ध्यान देकर और मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये खेती किसानी करने वाले किसान हैं। अब ये इनकी स्थिति ऐसी है कि अब ये किसानी करने लायक भी नहीं रहे और कोई ट्रैक्टर वगैरह चलाने की भी इनकी स्थिति अब नहीं, कोई स्थिति नहीं है, खेत में पैदल नहीं जा सकता अभी तो मैं। तो आप ये बताइए कि जिस दिन ये घटना हुई आपके साथ में, कैसा कैसा आपके साथ में ये पूरी घटना हुई? मैं उस समय वहाँ से निकल रहा था, क्या निकलते घड़े तो वहाँ स्पॉट पे गया, तो उस समय ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि पटाखे मिल में आग लगी। फिर वहाँ जाने में पहुँचा तो इतने में रोड पूरा जाम हो गया। अब रोड जाम होने के बाद में गाड़ी निकाल नहीं पाया और एकदम से जो धमाका हुआ तो भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने में हम दोनों मियाँ बीवी थे, तो ये फेंका गई, इसको उतारा करा, ये भगने लगी। उसके बाद में तीसरा वो जो धमाका हुआ लगा है उसमें मेरे को जो पत्थर लगा तो मेरे को उस तिघड़ी रोड पर फेंक दिया चित्ता तड़ा, तो वहाँ की जगह गाड़ी सहित में बेहोश हो गया। क्या उसके बाद में मेरे को कोई सूझ नहीं है कि मेरे को कौन ने उठा के ले गए, क्या करे हॉस्पिटल में, उसके बाद में मेरे को कुछ पता नहीं है। आपकी गाड़ी की स्थिति क्या है, कैसी क्या है गाड़ी आप? गाड़ी भी सब तोड़ मोड़ दी थी, तोड़ने को तो क्या टूट गई थी गाड़ी वन भी आगे से सब मार्क्स वगैरह कई ये अपने मडगार्ड वगैरह ये सब तोड़ दिए थे गाड़ी में भी। नहीं तो गाड़ी आपकी मिली या नहीं मिली? मिल गई गाड़ी तो मिल गई। हाँ। गाड़ी ले आए थे बाद में 4-5 दिन बाद लड़के उन गए थे तो भी लेके आए गाड़ी को। अब आपकी स्थिति कैसी क्या है, मतलब कुछ काम करने की स्थिति में आपका शरीर है या नहीं है? अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ काम की स्थिति में नहीं हूँ मैं, अभी तो सिर्फ एक पानी का लोटा नहीं उठा सकता ज्यादा कर बहुत, अभी तो है ना ये छाती बहुत दर्द करती है, ज्यादा जो ज्यादा बात करो तो भी छाती दर्द करने लगती है, चल फिर में ये पासली वन दर्द करती है। क्या डॉक्टरों ने आपको क्या क्या सलाह दी है? डॉक्टरों ने बस यही आराम की बोले कि आराम करो अभी और ये पट्टा लगा के रखो, मैंने 2 महीने ये पासली वन सेट होगी और ये एक्सरसाइज ये फेफड़े के लिए एक्सरसाइज दिया है,
ये रोज एक्सरसाइज करा करो, एक घंटे में 5 मिनट। क्या अभी भी आपको शरीर के अंदर तकलीफ होती है? हाँ, दम भराता है, सांस फूलती है। अब सांस फूलती है मेरी, सांस पूरी क्लियर नहीं आ रही है अभी।